हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक मॉनिटर्स। दोस्तों, अगर आप Xiaomi या फिर Redmi का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपने स्मार्टफोन को किसी भी लैपटॉप या फिर किसी भी पीसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर भी पाओगे और डेटा भी ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और आगे चल के अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, यहाँ पे है मेरा ये स्मार्टफोन जो है Redmi Note 5 Pro और ये है डेटा केबल। तो अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ डेटा केबल को अपने स्मार्टफोन के साथ। तो यहाँ पे इसे मैंने अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं अपने डेटा केबल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है यूएसबी केबल के द्वारा और यहाँ पे ये चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है कि लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका और मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी आ रहा हो। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग में जाना है इस इशू को फिक्स करने के लिए। तो ये बेसिकली पहला तरीका है। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में जाइए। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन दिखाई देगा, इसे आप मल्टीपल टाइम्स टाइप करिए और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। डेवलपर ऑप्शन ओपन होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे बैक जाइए। बैक जाने का एकदम नीचे आइए, यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडिशनल सेटिंग को यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। इसे ओपन करने के बाद अगर आप एकदम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन का एक ये मिल जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन को टैप करके आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा USB डीबगिंग। तो अगर ये ऑफ है बाय चांस तो इसे आप ऑन कर लीजिए। आप जैसे ही इसे ऑन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल है आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी देखेंगे कि अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर ये अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप फर्दर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ पे आपको एक और एक ऑप्शन मिलेगा जिसे मैं आपको बता देता हूँ, और वो ऑप्शन है सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप ठीक से इसे देख लीजिए। तो इसे आप यहाँ से टैप करके ओपन कर लीजिए और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है दोस्तों, ये चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ रहता है, तो उससे आपका मोबाइल जब भी आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तो चार्जिंग मोड में चल जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसे ओपन करना है और यहाँ पे आप देखोगे मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे आपको सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही इसे सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपका जो मोबाइल है आपके लैपटॉप के साथ या फिर पीसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये इसके अगर इस तरीके से भी अगर ये काम नहीं करता है तो यहाँ पे आपको दोस्तों दूसरा तरीका अपनाना है। अब वो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो दूसरा तरीका ये है कि आपको सिंपली अपने इस जो डेटा केबल है इसे निकालना है, इस डेटा केबल का आपको चेंज करना है। तो मैं अपने इस डेटा केबल को ये यहाँ से निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेटा केबल मैंने निकाल दिया। तो ये डेटा केबल यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक और एक डेटा केबल ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों ये है दूसरा डेटा केबल, तो मैं पहले इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे मोबाइल को कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसे लैपटॉप को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है मोबाइल ने जो है लैपटॉप के साथ वो अपने आप कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो और यहाँ पे आप कंप्यूटर में भी यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये कैमरा फोकस कर रहा है तो थोड़ा पास में आपको ले जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा फ़ोन यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने डेटा को अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों यही दो तरीके हैं जिससे पहले तरीके से आपका जो इशू है वो फिक्स हो जाना चाहिए। अगर उसे अगर फिक्स नहीं होता है तो आप डेफिनेटली डेटा केबल को यहाँ पे चेंज करिए और उसे तो डेफिनेटली ये जो इशू है वो फिक्स हो जाना चाहिए। और दूसरा डेटा केबल आप देख सकते हैं जो काम नहीं कर रहा वो यहाँ पे है और ये जो दूसरा डेटा केबल है उसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा है तो वीडियो को जो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे आप कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।